एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। हम लोग बहुत दिनों से अभी अपने ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और फिर हमारे क्लासेस भी बहुत अच्छे से शुरू हुए। आप लोग भी बहुत इंटरेस्ट से सारे वीडियोस देख रहे हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। बट देन एक्चुअली वन थिंग इज लैकिंग, और उसके बारे में आज मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो भी सारे वीडियोस हो रहे हैं और जो भी सारे हमने इतने सारे वीडियोस किए, इतने सारे हमने क्लासेस किए हैं, उसका एक फीडबैक मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू डू योर होमवर्क एवरी डे। तो आपने ये अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया है ये मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आप लोग तो मुझे उसके इमेजेस वगैरह लेके नहीं भेज रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक्टिविटी बताया था फर्स्ट क्लास में, तो वो भी किसी ने करके नहीं भेजा है। और फिर जाके जो हमने बाकी के भी दो क्लासेस में होमवर्क दिया था मैंने, वो भी आपने नहीं किया हुआ है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि वॉट एवर होमवर्क यू आर सॉल्विंग इन टू योर नोट बुक्स, आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड गो टू योर नोट बुक, तो उसको खोल लो, जो भी आपने लिखा हुआ है उसका अच्छे से एक पिक्चर लो और फिर आप मुझे मेरे नंबर पर उसको मैसेज कर लो। अगर उसमें कुछ गलत होगा, कुछ एडिशनल चाहिए, कुछ उसमें से निकालना है, रिड्यूस करना है, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, तो ये एक बात मुझे आज आपको बतानी थी आज की क्लास के पहले, और फिर अभी हम हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जो हमने हमारे लास्ट टाइम जो न्यू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का ही नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें से और दो नए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में आज हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। ओके, तो उसमें से सबसे पहला आज का जो मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ले रही हूँ एंड दैट इज सोइंग। ठीक है, तो वॉट इज सोइंग? सोइंग इज प्रोसेस बाय विच सीड्स आर सोन इन द सॉइल इज नोन एज सोइंग। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हम सीड्स ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू सो देम इन टू द सॉइल। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट सॉइल प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि सॉइल में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हमने बात किया था, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें वाटर है, उसमें मैन्यूर्स है, उसमें ह्यूमस है, उसमें सब चीजें हैं जो क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो ये सब चीजें जब हमारे पास अवेलेबल है, तो इनको यूज करके हमने क्या करना है, उसमें एक क्रॉप प्लांट लगाना है और उस क्रॉप प्लांट को ग्रो करके उसमें से प्रोडक्ट हार्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस के लिए हमारे पास व्हाट वी डू इज सॉइल प्रिपरेशन कर लिया, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर दिए, नाउ वी डू इज सोइंग। ओके, सो सोइंग में सीड सबसे पहले आया। ठीक है, क्योंकि हमने सॉइल तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, तो सीड को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके कुछ क्राइटेरियाज है। ठीक है, सो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड क्या है, तो सिलेक्शन ऑफ सीड करना हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, बिकॉज सीड इज फ्यूचर प्लांट। ठीक है, जो भी हमारा फ्यूचर प्लांट होगा वो अभी एग्जिस्टेंस में सीड फॉर्म में होता है, तो हमारा प्लांट कैसा होना चाहिए ये हमें कैसे पता चलेगा, हमारे सीड के ऊपर से पता चलेगा। ओके, सो विच सीड इज नीडेड टू बी सिलेक्टेड फॉर सोइंग इज टू बी नोन वेरी इसेंशियली। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए एक सबसे इजीएस्ट ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट वेदर द सीड विच वी आर यूजिंग इज ऑफ गुड क्वालिटी और ऑफ नॉट अ गुड क्वालिटी, या फिर उसमें से जर्मिनेशन अच्छे से होगा या फिर नहीं होगा, या फिर उसमें डॉर्मेंसी है या नहीं है। डॉर्मेंसी को मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, डॉर्मेंसी इज स्लीप मोड। ठीक है, स्लीप मोड यानी सीड जब भी हम उसको स्टोर करके रखते हैं तब वो स्लीप मोड में होते हैं, तभी उसमें से प्लांट नहीं निकलता, बट जब भी उसको अच्छा सब चीजें मिल जाती है, नरिशमेंट मिल जाता है, पानी मिल जाता है, सब चीजें अवेलेबल हो जाती है, तो वो जर्मिनेट होके बाहर निकलता है। बट कुछ सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं और वो वैसे ही स्लीप मोड में रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें से प्लांट नहीं निकलेगा, तो ये कंडीशन इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी कंडीशन। तो हमें ऐसा सीड नहीं चाहिए जो डॉर्मेंसी में हो, हमें ऐसा सीड चाहिए जो जर्मिनेट होता है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। क्या करना है, एक ट्रफ ले लो, एक बॉल ले लो बड़ा सा, या फिर एक कोई भी बर्तन ले लो जो काफी बड़ा और ज्यादा गहरा नहीं है। ओके, उसमें पानी भरना है। ओके, और जो भी सीड हमें लगानी है उसको एक साइड से आराम से उसमें छोड़ दो। ठीक है, इतने से मेथड से क्या पता चलेगा, उसमें हमें दो सेक्शंस दिखाई देंगे, एक जो सीड्स नीचे चले गए हैं जो भारी है और नीचे पानी में बैठ गए। ठीक है, और कुछ सीड्स जो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे हैं। ओके, जो सीड्स ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे हैं हम उनको बाजू में कर लेंगे और निकाल देंगे, दीज सीड्स विल नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली। ओके, और जो सिंक हो गई है नीचे, दीज सीड्स आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी।
ओके तो हमने यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से और जो सीड हमारी अच्छे से लग सकती है, जर्मिनेट हो सकती है, उनको सेपरेट आउट कर लिया. तो फर्स्ट थिंग विच वी डिड वॉज सिलेक्शन ऑफ सीड. नाउ दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सीड क्या थी और कैसा है उसको लेके. नाउ ऑल्सो देर इज अनदर थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि सीड कैसा होना चाहिए. सो सीड में हमें ऑब्वियसली ये बहुत इसेंशियली देखना चाहिए कि उसका क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है. ओके अगर हमने अच्छा सीड लिया तभी जाके हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा रहेगा. अगर सीड ही खराब है या फिर जो हमारा सीड है उसका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है इतना अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली हमारे फार्म में आने वाला प्रोडक्ट विल नॉट बी दैट ऑफ ग्रेट क्वालिटी. तो इसीलिए सीड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. सीड कैसा है, कौन सी क्वालिटी का फ्रूट देता है, कौन सी क्वालिटी का ग्रेन देता है, ये सारी चीजें इन्फॉर्म रहना बहुत जरूरी है. तो उस हिसाब से जो भी लेटेस्ट में रिसर्च हो रहा है या फिर जो नए मार्केट में सीड आई हुई है उनके कैसे रिजल्ट्स है इनको स्टडी करके हम उसमें से सीड का सिलेक्शन करते हैं. ठीक है, सो दैट इज सिलेक्शन ऑफ सीड. नाउ वी कम टू द मेथड ऑफ सोइंग. ठीक है, कि सीड को लगाना कैसे है फार्म में. तो उसके तीन टेक्निक्स है. ओके सबसे पहला इज ब्रॉडकास्टिंग. ओके सो हियर यू कैन सी अ इमेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. ओके तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या कर रहा है फार्मर, एक सीड को उसने हाथ में लिया और उसने फेंका है. राइट तो क्या करेंगे हम, सीड को लेंगे और ब्रॉडकास्ट करेंगे. ब्रॉडकास्ट करेंगे यानी वी आर जस्ट स्प्रेडिंग इट इनटू द फार्म, जिसकी वजह से क्या होगा सारे सीड्स जो है वो फार्म में पूरी तरह से बिखेरे जाएंगे. बिखेरने की वजह से क्या होगा वो पूरे एरिया में स्प्रेड आउट हो जाएंगे एंड देन फ्रॉम दैट प्लेस द सीड विल स्टार्ट टू ग्रो. ओके तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है. अगर अपने पास अच्छा खासा बड़ा फार्म है हम क्या कर सकते हैं, सीड ले लो और उसको ब्रॉडकास्ट करते जाओ. ओके ब्रॉडकास्ट करने से सीड्स दूर दूर तक जाएंगे, फैलेंगे और वहां पे वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, बट इसका डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है. क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहली बात जब हम सीड ब्रॉडकास्ट करते हैं तब हम कोई भी एक डेफिनेट पैटर्न में सोइंग नहीं कर रहे. ओके तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सीड हमने बिखेरा हुआ था कभी कभार दो प्लांट्स एक दूसरे के बहुत पास में लग जाएंगे. तो इसकी वजह से क्या होता है वो एक दूसरे के रूट्स उनके फाइट करना शुरू कर देंगे फॉर न्यूट्रिएंट्स, वो एक दूसरे के लीव्स उनके फाइट करना शुरू कर देंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. ठीक है, तो ये सब चीजों की वजह से क्या होगा हमारे प्लांट की ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी. सेकेंड थिंग, सीड जो हमने ब्रॉडकास्ट किया उसको हमने जमीन में सो नहीं किया, यानी कि उसको हमने गड्ढा बना के उसमें डाल के पूरी तरह से अच्छे से मिटाया नहीं है, हमने क्या किया उसको बस जमीन के ऊपर डाल दिया. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, नाउ सीड इज एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट. अगर ज्यादा हीटअप हो गया तो सीड का फेट जो है वो ऑब्वियसली हैम्पर हो जाएगा. दूसरा, अगर विंड आया और सीड हल्का है तो उड़ भी जा सकता है. तीसरा, अगर कोई बर्ड ने उसको देख लिया तो वो उसको खा जाएगा. तो हमारे बहुत सारे सीड्स जो है इसकी वजह से वेस्ट हो सकते हैं. अगर हमने ब्रॉडकास्ट किया और बहुत ज्यादा जोर की बारिश है तो वो उसके साथ बह के भी जा सकते हैं. ठीक है, तो देर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी मच वी कैन से प्रॉब्लमेटिक इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग बहुत इजी टेक्निक है इसीलिए इसको यूज भी किया जाता है. ठीक है, सेकेंड इज ट्रेडिशनल टूल्स. ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, ट्रेडिशनल टूल्स में जैसे हमने प्लाइंग में देखा था इमेज में कि दो बैल है और उसमें से एक प्ला लगा हुआ है और कैसे जा रहा है. ओके वैसे ही कुछ काइंड ऑफ एक सिमिलर काइंड ऑफ मशीन होती है जिसमें एक बड़ा सा फनल होता है. ओके हियर इन इमेज आल्सो यू कैन सी इट, एक फनल है, फनल के नीचे में उसमें से एक पाइप सा स्ट्रक्चर आता है और फिर फनल में हम सीड डाल देते हैं जिसके थ्रू वो कहाँ जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है. ओके और जमीन के अंदर में क्या करेगा वो, इट विल पंच लीव द सीड गो फॉरवर्ड, पंच लीव द सीड गो बैकवर्ड. ओके तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू एड सीड्स वन बाय वन इनटू द फार्म. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है अभी, नाउ आवर सीड्स आर इनटू द फार्म एंड नाउ दे आर स्पेस्ड प्रॉपरली, दे आर डिस्टेंस प्रॉपरली, दे आर सोन इन टू अ डेफिनेट पैटर्न, उसको जमीन के अंदर भी डाल दिया, उसको कवर अप भी कर दिया और सीड को हमने सेफली रख दिया. ठीक है, सो बाय दिस मेथड वी कैन इंश्योर कि सारी जो इसेंशियल चीजें हैं फॉर सीड सोइंग और फिर उसकी सेफ्टी एंड एवरीथिंग वो हमने सब कुछ फुलफिल कर दिया. ठीक है, बट देन एज इट इज बीइंग अ ट्रेडिशनल मेथड इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ओके तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू इज नेक्स्ट वाला मेथड दैट इज कॉल्ड अ सीड ड्रिल.
सी ड्रिल क्या होता है, सिमिलर काइंड फनल वाला स्ट्रक्चर ही है, इसमें बस मशीनरी थोड़ी एडवांस्ड है और सी ड्रिल जो है वो बहुत स्पीडीली काम करता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ फनल स्ट्रक्चर है, एक तो वो ट्रैक्टर्स को या फिर हम इसको कार्ट्स को लगा सकते हैं या फिर दूसरे कोई इक्विपमेंट को, एग्रीकल्चरल व्हीकल को हम लगा सकते हैं, एंड देन एक साथ में आप उसमें डाल दो सब सारी सीड्स या फिर जो भी सारा डालना है, एंड देन इट हैज अ रोटर, रोटर के ऊपर क्या होगा एक एक सीड आके गिरेगा, एंड व्हाई एज इट इज रोटेटिंग एक एक सीड को वो ड्रॉप करते जाएगा, इट विल पंच द होल, पुट इट इनसाइड, बरीड, गो अहेड। ठीक है, यहाँ पे आप सीड ड्रिल का भी पिक्चर देख सकते हो। ओके, एंड जैसे जैसे ये सामने जाते जाएगा ये क्या होगा, इट विल कीप ऑन रोलिंग, कीप ऑन डूइंग द थिंग एंड इट विल स्टार्ट डेवलपिंग द सीड डेवलपमेंट। ओके, तो इसकी वजह से भी सीड का वेस्टेज जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। ये दोनों टेक्निक सबसे अच्छी टेक्निक्स है। ट्रेडिशनल टेक्निक में एक और टेक्निक है जिसमें फार्मर क्या करता है, खुद जाके खुरपी लेके डिग्स आउट अ होल, पुट्स द सीड, कवर्स इट अप। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सीड सोइंग कर सकते हैं। सो सोइंग के लिए हम ये मेथड्स यूज करते हैं जनरली। ओके, सो दीज आर द थ्री मेथड्स विच आर यूज फॉर सोइंग। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस विच वी नीड टू टेक ड्यूरिंग सोइंग, क्योंकि सोइंग में जैसे मैंने पहले भी बोला कि इसमें डिसएडवांटेजेस भी है टेक्निक्स में और उसकी वजह से वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या उसके चीजें जो है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज क्वालिटी ऑफ द सीड, वेदर इट इज हेल्दी, वेदर इट इज डिसीज फ्री, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज डिसीज स्टार्ट्स फ्रॉम सीड इटसेल्फ। सीड में अगर डिसीज है तो प्लांट तो ऑब्वियसली उसको डिसीज होगा ही, तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, सीड शुड बी हेल्दी। ओके, तो सीड को ऐसे सिलेक्ट करो जो हेल्दी है। Now there are many modern techniques of hybridization which ensure us कि बहुत सारे diseases जो है उनको fight करने के ability वाले seeds आ गए। Okay, जैसे for example you might have heard about BT cotton। ओके, तो बीटी कॉटन जो है उसमें बोलबम का इन्फेक्शन नहीं होता है, तो ये सारे ऐसे जो नए वाले जो एडवांस सीड्स है वैसे सीड का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। देन देयर इज क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड यानी कि इन टर्म्स ऑफ से उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसको उसका प्रोडक्ट वैल्यू, उसमें आप कह सकते हो कि उसका जो डेवलपमेंट वैल्यूज है, ये सारी चीजें, या फिर सीजन का स्ट्रेस हैंडल करने की एबिलिटीज, या फिर जाके उसमें कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हार्म ना होने की एबिलिटी, ये सबको फाइट करने की एबिलिटी हमारे सीड में अगर हो, देन दैट सीड विल बी ऑब्वियसली दी बेस्ट सीड। ओके, तो इसीलिए हमें ऐसा सीड सिलेक्ट करना है जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ठीक है, देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिस्टेंस। ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया था ब्रॉडकास्टिंग के डिसएडवांटेजेस में, अगर हम प्लांट को जब भी लगा रहे और उन प्लांट के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगा, उसमें डिस्टेंसिंग नहीं होगा, तो जाके ये जो क्रॉप है हमारा एक दूसरे के साथ एंटैंगल्ड ग्रो होगा, जो कि एक दूसरे के ग्रोथ के लिए एक दूसरे को हैम्पर भी करेगा, एक दूसरे से फाइट भी करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीड्स को एक डेफिनाइट पैटर्न में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक इमेज भी देख सकते हो जिसमें आपको इक्वली स्पेस्ड प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है, एक तो फार्म में सभी न्यूट्रिएंट्स सभी प्लांट्स को मिलने की इंश्योरेंस मिल जाती है हमें कि हाँ ठीक है चलो एक इतना डिस्टेंस है तो इतने जगह का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ये प्लांट लेगा, इसको अपनी जगह मिल रही है। उसकी स्पेसिंग की वजह से उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसका लीफ स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। ठीक है, एंड देन वॉटरिंग हो गया या फिर मैन्यूरिंग हो गया या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सब चीजें करनी है जो फार्म में, ये करना बहुत ईजी हो जाता है। फार्मर फार्म में घूम के सब चीजें कर सकता है, अगर वो एकदम जंगल जैसा ग्रो हो रहा है तो फिर उसमें ये सब चीजें करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड इज वाटर अवेलेबिलिटी, क्योंकि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट। तो सीड जर्मिनेशन से लेके, क्योंकि हमें पता है कि सीड को जर्मिनेट करना है तो उसको पानी में रहना बहुत जरूरी है, तो वहां से लेके प्लांट डेवलपमेंट तक हमें सीड को प्लांट में को प्रॉपर वाटर देना जरूरी है। तो वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, हमने ड्राई एरिया में सीड डाल दिया और हम सोच रहे कि वो जर्मिनेट होगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको अगर रेन के ऊपर डिपेंड हो रहा है और रेन की ही राह देखते रह गए और सीड जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है तो भी इम्पॉसिबल है। वी हैव टू हैव अ प्लान, अ बैकअप प्लान फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर सीड बाय प्रोवाइडिंग इट वाटर। प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, गुड वाटर सोर्स इज वेरी इसेंशियल। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर सीड की ग्रोथ डिसाइड होती है। देन इज द नेक्स्ट टेक्निक विच इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन इज वॉट, ओके, प्लांटेशन इज लगाना, प्लांट लगाना। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इज वॉट, वेन एवर वी ग्रो जो क्रॉप प्लांट है, जैसे कि पैडी फील्ड में होता है, ठीक है,
तो पैडी फील्ड में हम क्या करते हैं, पैडी फील्ड में हमें पता है कि राइस क्रॉप जो होता है उसको हम सैपलिंग्स के फॉर्म में डायरेक्टली फार्म में लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कैसे वहां पे एक पडल बनाया जाता है और पडल के अंदर में हम एक 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 सैपलिंग लगाते जाते हैं। तो ये सैपलिंग आया कहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला टेक्निक में क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप इज धान को लिया जाता है और एक फार्म में उसको लगाया जाता है और उसमें से सैपलिंग ग्रो हो जाता है, ठीक है। बट इट कैन नॉट सस्टेन टू दैट एनवायरमेंट की कंडीशन, दैट इज ड्राई, वहां तक वो छोटा सा ग्रो हो जाएगा और फिर वो सूख जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको क्या करना पड़ेगा, निकाल के इसको हमें वो पडल में लगाना जरूरी है। सीड डायरेक्टली पडल में भी अच्छे से ग्रो नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पीस ऑफ लैंड में ये सीड को छोटा सा ग्रो करो, उसको वहां से नाजुकता से परे अच्छे से उसको निकालो और फिर दूसरे वाली जगह पे जहां पर हमने पडल बनाया वहां पे उसको लेके जाके लगाओ, ठीक है। सो ग्रो सीड इन वन लैंड एंड देन रीप्लांट इट इनटू अनदर वन इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक में हम क्या करेंगे, प्लांट को एक जगह पे लगाएंगे उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे, ओके। सो ये बहुत सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड एंड इट इज इट एंश्योर्स वेरी गुड क्वालिटी एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, ओके। Now, as we talked about seed sowing, उसमें मैंने जैसे बोला कि उसका थर्ड इम्पोर्टेंट essential प्रिकॉशन था कि we need good quantity of water. तो water availability को जो हम satisfy करते हैं that is through irrigation technique, okay? तो irrigation में क्या है, supply of water to the crop at different intervals, okay? Now that is very essential. ये word बहुत essential है इसमें से, that is at different intervals, okay? Now supply of water करना है मतलब farm में पानी छोड़ दिया और काम खत्म, ये बिल्कुल गलत है, ओके। वी हैव टू गिव वाटर इनटू स्पेसिफिक क्वांटिटीज एट स्पेसिफिक इंटरवल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एज ऑफ द प्लांट, ओके। ये बहुत जरूरी है बिकॉज इसके थ्रू ही हमें पता चलेगा कि प्लांट की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, अदरवाइज हम पानी डालते जा रहे हैं और उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सोर्सेस क्या हो सकते हैं वाटर के हमारे लिए, सो सोर्सेस ऑफ वाटर विल बी वेल, ठीक है, ट्यूब वेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, कैनाल, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारी चीजों से हम वाटर अवेलेबिलिटी ले सकते हैं, ओके। देन वी हैव मेथड्स फॉर इरिगेशन, तो मेथड्स फॉर इरिगेशन में क्या क्या आता है, देर आर ट्रेडिशनल मेथड्स, तो ट्रेडिशनल मेथड में कौन आता है, देर इज मोट, चेन पंप, देकली, रहाट, ये सारे सिस्टम्स जो है, लीवर सिस्टम जिसको बोलते हैं या फिर जिसमें हम ह्यूमन या फिर एनिमल सोर्स को एनर्जी को यूज करके हम इनको रन करते हैं इन सब चीजों को। सो दीज टेक्निक्स आर ट्रेडिशनल टेक्निक्स, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बार मोट यानी एक कैनाल सिस्टम होता है जहां से पानी पूरा फार्म में लाया जाता है, या फिर यू माइट हैव सीन चेन पंप जिसमें एक पंप लगाया होता है और चेन और पुली होता है जिसके थ्रू हम वेल के थ्रू पानी निकाल के कैनाल्स में डाल देते हैं। देयर आर देकली एंड राहट लाइक सिस्टम जहां पे बुलक कार्ट को वहां पे बांधा जाता है और एक बड़ा सा एक व्हील होता है जिसमें बहुत सारे बकेट्स लगे हुए होते हैं और फिर वो पानी निकालता जाता है रिवर में से या फिर वेल में से एंड देन इट कीप्स ऑन पोरिंग, ठीक है। तो इसके इमेजेस भी आप यहाँ पे देख सकते हो सबके। तो ये सारे टेक्निक्स जो है वो क्या करती है, थ्रू दीज टेक्निक्स वी कैन एंश्योर, थ्रू ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑल्सो वी कैन एंश्योर कि ये जो पानी हमारे पास अवेलेबल सोर्स है जैसे कि नदी हो गया या फिर वेल हो गया, इनमें से हम पानी डायरेक्टली फार्म में ला सकते हैं। But when is this possible? When there is ample of supply of water and we have good quality and quantity and source of water into our vicinity itself. ठीक है, तो इसके थ्रू हम इसको आराम से भेज सकते हैं। But then it will not ensure properly if अगर पानी का availability बहुत ज्यादा नहीं है तो इस condition में हमारे लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि water supply करे कैसे, okay? So then came two new modern irrigation techniques which are very useful for every farmer. और जाके इसको use करना भी बहुत easy है and कम पानी में भी it ensures कि सभी crops को पानी मिलेगा और बहुत अच्छे से उसकी growth भी होगी। Controlled way में हम पानी देंगे, पानी का wastage भी नहीं होगा और फिर जाके growth भी बहुत अच्छे से होगी। And these two modern techniques are drip irrigation and sprinkler irrigation. ठीक है, ड्रिप इरिगेशन। नाउ व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन में हम क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ वाटर देखते हैं, वहां से हम पाइप्स के थ्रू पानी को लाने वाले हैं, ठीक है, थीके? और ये पाइप्स जो है उनमें नोजल्स लगे हुए होते हैं जगह जगह पे, ठीक है। तो जैसे कि हमने फार्म को बराबर से प्रॉपरली मैनर्ड वे में अगर सोइंग किया हुआ है तो उसमें हमने अच्छे से रोज बना के उसमें प्लांट्स को लगाया हुआ होगा, तो उसमें हम
हर एक रो में लंबा सा पाइप डाल देंगे और उसको रिवर्स लाके फिर से उसको लंबा डालते जाएंगे और पूरे फार्म को हम इन पाइप से कवर कर लेंगे। अब जहां जहां हमने सोइंग किया हुआ है उस हर एक प्लांट के रूट के पास एक नोजल लगा देना है और ये नोजल में से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड वहां पे गिरता जाएगा। तो थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के पास गिर रहा है, उस प्लांट के पास गिर रहा है, तो ये प्लांट उस पानी को आराम से अब्सॉर्ब कर सकता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में घुल के उसके रूट के तक पहुंच रहे हैं, तो फिर जाके पूरे फार्म में पानी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम्स में क्या होता था, मोट से या फिर कैनाल से पानी डायरेक्टली फार्म में जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फार्मर यूज्ड टू लेट गो द वाटर इनटू द फार्म डायरेक्टली, क्योंकि हर एक प्लांट को जाके कौन डालने रहेगा, राइट? तो ये टेक्निक में पानी बहुत वेस्ट होता था, इसमें पानी बिल्कुल नहीं वेस्ट हो रहा है। इनटू ड्राई एरिड एरियाज आल्सो, जहां पे पानी की बहुत कमी है, हम ऐसे एरियाज में भी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं एंड थ्रू दिस वी कैन एंश्योर 100% इरिगेशन। एंड दीस टेक्निक्स हैव प्रूव्ड बून इनटू एरियाज लाइक राजस्थान, ओके, जहां पे बहुत पानी की कमी है, बट वहां पे नाउ दे हैव लश ग्रीन फार्म्स आल्सो, जहां पे उन्होंने इंश्योर कर लिया कि बहुत अच्छे से पानी जाए और वो फार्म्स जो है और उनके प्लांट्स जो है उनको पानी अच्छे से मिले, ठीक है? तो ड्रिप इरिगेशन इज दैट वन, ओके। दूसरा वाला है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज आल्सो वन ऑफ द एडवांस टेक्निक्स, और ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब बढ़िया सा टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं हम सारे फार्म में भी इसमें भी थ्रू पाइप ही पानी सप्लाई किया जाता है एट सर्टन टाइम और सर्टन डिस्टेंस एंड इंटरवल्स। एक वर्टिकल पाइप हम उसमें से ऊपर कर देते हैं और ये वर्टिकल पाइप के ऊपर में एक नोजल होता है स्पून के जैसा, ऐसा एक होता है और इसी के जैसा ऐसा उल्टा एक होता है, ठीक है? तो ये जो नोजल के जैसा जो उसका स्पून के जैसा जो नोजल है, इट इज रिवॉल्विंग और इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है? तो ये गोल घूम सकता है और उसकी वजह से क्या होता है, फिर यहाँ से एक स्प्रे जेट से पानी निकलता है, ठीक है, इस नोजल में से, और ये जो पानी स्प्रे या फिर स्प्रिंकल के जैसे निकल रहा है उसको ये स्पून क्या करते हैं, दे बीट इट, ठीक है? तो ऐसे बीट करते करते वो क्या करते हैं, फार्म में पूरी जगह पे पानी फैलाते जाते हैं, ओके। यू कैन सी अ इमेज हियर आल्सो ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू हम इंश्योर ये करते हैं कि अगर डेंस क्रॉप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट क्रॉप हो गया या फिर शुगर केन क्रॉप हो गया, इस कंडीशन में हम अंदर घुस के ड्रिप इरिगेशन वाला टेक्निक बहुत रेयरली यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर सकते हैं, जहां से हम इंश्योर कर सकते हैं कि पूरे फार्म में, क्योंकि इसमें से स्प्रेजर से पानी बाहर आता है तो वो बहुत फोर्स से आता है और वो बहुत बड़ा डिस्टेंस भी कवर कर सकता है। सो हेंस इट विल कवर अ ह्यूज लार्जर डिस्टेंस, इट विल स्प्रे एंड स्प्रिंकल द वाटर ऑल ओवर द फार्म, हर एक क्रॉप के रूट तक पानी भी पहुंच रहा है, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में पहुंच रहा है, तो ये पूरा फुलफिल हो गया। डिफरेंट इंटरवल्स पे क्रॉप को जितना जरूरी है उतना पानी हमने इंश्योर कर दिया कि पहुंच जाए, ठीक है? सो दीज आर दी इरिगेशन टेक्निक्स विच कैन बी यूज वेरी नाइसली एंड एफिशिएंटली फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू आवर क्रॉप प्लांट्स, ओके। इसी टेक्निक में एक और एडिशन होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज फर्टिगेशन? फर्टिगेशन इज इरिगेशन पर प्लस फर्टिलाइजेशन। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा हुआ है कि जब भी हमें इंश्योर करना है कि क्रॉप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए तो हम उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स को अगर हम ड्रिप इरिगेशन के पानी में जहां से हम उसको पानी डालने वाले हैं उसमें फर्टिलाइजर्स को अगर हमने डाल दिया, घोल दिया, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना सा ही डालना है और उसको हमने घोल दिया, देन वी आर इंश्योरिंग कि हर एक प्लांट के रूट के पास ये फर्टिलाइजर पहुंचे। तो हमें पूरे फार्म में डालने की जरूरत नहीं है, पूरे फार्म में हमने मैन्योर डाल दिया और रूट के पास बस जो न्यूट्रिएंट कम था वो डाल दिया, ठीक है? तो इससे क्या होगा, मैन्योरिंग भी हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर भी गया, तो एक्सेसिव फर्टिलाइजर आने की कोई टेंशन नहीं है। और फिर हमने इरिगेशन के टाइम में ही इसको एक ही साथ डाल दिया, तो हमें ऐसा भी नहीं है कि एक्स्ट्रा एक काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमने मल्टीटास्किंग कर लिया, ठीक है? तो ये फर्टिगेशन टेक्निक को भी हम आराम से इसमें क्लब करके उसके साथ हम यूज कर सकते हैं, जो कि भी बहुत अच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है? तो इसके एडवांटेजेस क्या है, अब अगर हम इरिगेशन करते हैं तो सबसे पहले मेंटेन्स द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, ये बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जितना मॉइस्चर रहेगा सॉइल उतना रूट का ग्रोथ जो है, पेनिट्रेशन जो है वो अच्छे से होगा, ओके।
सेकेंड इज न्यूट्रिएंट्स आर प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेड. अभी हमने फर्टिगेशन की भी बात की, क्यों फर्टिगेशन में हमने उसमें फर्टिलाइजर डाला था, क्योंकि वाटर में सोल्युबलाइज होकर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं. अगर हमने प्रॉपर वाटर सप्लाई ही नहीं दिया तो हम कितना भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो, प्लांट उसमें से न्यूट्रिएंट ले ही नहीं पाएगा अंटिल एंड अनलेस उसमें अच्छा सा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है. ओके, सो हेंस फर्टिलाइजेशन सॉरी इरिगेशन इंश्योर्स दैट देयर विल बी प्रॉपर मॉइस्चर व्हिच विल हेल्प इन टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. नाउ व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक. सो फर्स्ट इज एक्सेसिव वाटर की वजह से क्या होता है. एक्सेसिव वाटर जो होता है उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग. ओके, तो फार्म में जब भी वाटर लॉगिंग होता है उसकी वजह से बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं. सबसे पहला डिफिकल्टी इरोजन ऑफ द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल जो है वो सबसे फर्टाइल लैंड ऑफ सॉइल होता है, और इसको ही अगर हम वाटर लॉगिंग में वो पूरा ऊपर आ जाएगा, और जिसकी वजह से ये लॉग वाटर अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो टॉप लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल विल बी रिमूव्ड. सबसे पहला इश्यू. दूसरा क्या है, इट इनहिबिट्स द जर्मिनेशन प्रोसेस. क्योंकि जर्मिनेशन के लिए पानी तो जरूरी है, बट आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम उसमें से पानी से सीड को निकाल देते हैं तभी जाके उसमें से रूट और शूट निकलता है. तो हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए. ठीक है, तो इरिगेशन में हमें ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए. ठीक है, देन वाटर लॉगिंग की वजह से और एक चीज होती है, और वो है कि रूट का पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज सॉइल बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड मशी. तो उसकी वजह से क्या होता है, रूट जो है वो प्रॉपर एंकरेज नहीं पैदा कर पाता है. तो रूट का अगर एंकरेज नहीं होगा तो प्लांट की स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी. ओके, सो हेंस रूट विल नॉट ग्रो वेल, एंड दैट विल नॉट एंश्योर कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है. तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली हैम्पर हो जाएगी, बिकॉज रूट फॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर. इस कंडीशन में अगर जोर से हवा आई, विंड ब्लो हुआ, स्टॉर्म आ गया, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो ये कंडीशंस में अपना क्रॉप जो है वो सबसे पहले मर जाएगा. एवरी स्टैंडिंग क्रॉप फॉल्स डाउन. ओके, तो अगर क्रॉप गिर गया तो उसकी कोई चांसेस नहीं है कि वो वापस से रिकवर कर पाए. ओके, सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन टेक्निक्स. ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सोइंग, जिसमें हमने पढ़ा कि सीड क्या होता है, सीड का सिलेक्शन कैसे करना है, किन क्राइटेरियाज में, उसके मेथड्स क्या क्या है, और फिर जाके प्रिकॉशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक. देन वी टॉक्ड अबाउट इरिगेशन. इरिगेशन यानी क्या होता है, सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, व्हाट आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन. Okay, at the end of this video I've added a few small clips about irrigation techniques, and I've added a few more about different kinds of methods of sowing, jisme hum choti machine se leke badi machine tak kaise functioning karte hain uske bare mein aap usko dekh sakte ho. Theek hai, so I hope you have enjoyed today's class, and जो भी आपको होमवर्क दिया गया है, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आई होप यू आर रीडिंग इट प्रॉपरली एंड यू आर सॉल्विंग योर होमवर्क. प्लीज ट्राई एंड डू योर वर्क ऑन टाइम. जो भी आपका एक्टिविटी था उसको भी अच्छे से कंप्लीट करो. अगर कुछ डाउट हो देन यू कैन प्लीज टेक्स्ट मी, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. जो भी आपका डाउट है मैं आपको तभी के तभी उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी. आई होप यू एंजॉयड इट, एंड आई होप यू विल एंजॉय द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज ऑल्सो, बिकॉज दीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, और बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है. सो आई होप यू लाइक इट. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर.